नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी गणित की पांचवी प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी के बारे में, जिसमें अपनी चल रही थी 5.2। 5.2 का आपने पहला भाग कर लिया था, आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, ताकि आगे का जो भाग है आपको ये आज वाला भाग आसानी से समझ में आ सके। तो देखते हैं इसके अंदर आगे के जो बचे हुए सवाल हैं वो क्या है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। इससे पहले के जो चार सवाल हैं वो अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद में ये देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी आपको तीसरे पद का मान दिया हुआ है, ठीक है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। सातवां जो पद है वो पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी के तीन या चार पद आपको बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो पहले आपको जो सवाल में दिया होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया हुआ है समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरे पद का क्या होता है a3 बराबर क्या दिया हुआ है 16, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो ए थ्री का अपन समीकरण बनाए तो देखो क्या बनेगी, ए प्लस 2d बराबर 16। ये क्या है, समीकरण एक। अपने पहले भी पढ़ चुके हैं तीसरे पद का सूत्र क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d, ये हो गए समीकरण है। अब देखो आगे सवाल में कहा है प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न में कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। अगर यानी आपने ये बात कही है कि सातवें पद में से पांचवा पद घटा दें तो कितना उत्तर आएगा, ये अगर इसमें से 12 अधिक है, ठीक है, तो इस संख्या में से ये संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। अब अपने को ये कह दिया समीकरण दो। अब अपने को क्या इन दोनों के सूत्र रखने हैं, तो ए सात का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 6d, ठीक है। ये किसका सूत्र है, ए सात का, और एक है ए पांच का सूत्र होता है ए प्लस 4d। ये समीकरण तीन और ये समीकरण चार। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण तीन में से समीकरण चार घटाने पर, समीकरण तीन में से क्या करते हैं, समीकरण चार को घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, देखो इस समीकरण के अनुसार अपने को चलना है, यानी सातवें पद में से पांचवा पद घटाना है, तो यहां भी अपने सातवें पद में से पांचवा पद ही घटाएंगे। सवाल के अनुसार चलते रहो, आपका सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। तो देखो सातवां जो था वो है a7 बराबर a प्लस 6d, और ये है a5 बराबर a प्लस 4d। अब अपन क्या कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। घटाने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो यहां से a से तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगी, यहां क्या बचेगा a7 माइनस a5। यहां पर आप गलती से भी काट के a2 मत लिख देना, या सिर्फ दो या a2 मत लिख देना, आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यही रखना है a7 माइनस a5 बराबर, यहां से बचेगा तो क्या आ जाएगा, देखो 6d, ये माइनस का 4d, प्लस का नहीं है, प्लस तो क्या हो गया, बदल गया माइनस में, तो माइनस 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2d। अब अपने को क्या करते हैं, यहां से मान देखते देते हैं समीकरण दो से मान रखने पर, समीकरण दो से मान रखने पर, समीकरण दो से देखो क्या मान है, समीकरण दो में a7 माइनस a5 की जगह क्या रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे 12 बराबर 2d। तो इससे d बराबर कितना आ जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो 12 बटे 2 यानी 6 आ गया, अपने पास आ गया d का मान 6, यानी d बराबर आ गया 6। अब d बराबर आप क्या करोगे, आपको मैंने पहले भी बताया था d बराबर जो समीकरण किसमें रखना है, जो पहली समीकरण है इसके अंदर रखेंगे, ध्यान रखना, इसीलिए मान दिया हुआ था ताकि आपका a का मान आ जाए। एक में रखने पर, अगर इसका मान एक में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, तो देखो अपने को क्या करना है, डी 6 किस कौन सी समीकरण में, पहली समीकरण में रखेंगे, डी की जगह 6 रखना है, तो ए की जगह ए रहने दो, प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना रखना है 6 बराबर कितना है 16, तो ए की जगह ए, इसको गुणा करेंगे तो 12 बराबर 16। अब ए बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 12, ये 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का, तो आपके पास ए का मान आ गया, ए बराबर 12 में से जाएगा तो ये कितना बचेगा 4। ए का और डी का मान आ गया। अब आपको क्या करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी देखो क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहला पद आपको मैंने बताया था a1 बराबर क्या होता है a, जिसका मान कितना है आपने अभी अभी निकाला है 4। a2 कैसे निकालते हैं, a1 प्लस d, a1 में d जोड़ दो, यानी चौथे पद में d जोड़ दो, सॉरी 4 है a1 का मान, इसमें क्या है d जोड़ दो, d का मान कितना है, d का मान अभी निकाला था 6, तो 4 और 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10। A3 बराबर देखो कितना होगा, A2 प्लस D, A2 का मान कितना है, A2 का मान अभी निकाला है, ये पीछे वाला मान, उसमें D का मान जोड़ते जाओ, यानी जो पीछे वाला पद निकालते हैं उसके अंदर D के मान जोड़ते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा
16, और चौथा पद निकालेंगे तो ए थ्री प्लस डी, जिसका मान कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। तो जो समांतर श्रेणी आई है उसका पद, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16 और चौथा पद 22। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी लिख सकते हैं और इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। इस सवाल में आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, A3 का मान दिया हुआ है, ठीक है, इससे अपने समीकरण बनाने के पहले। उसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या दे रखी है, सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है, तो ये आपकी समीकरण बनेगी ना। सातवें पद में से पांचवा पद अगर मान लो घटा देते हैं, सातवें पद का मान क्या होता है अपन कैसे लिखते हैं A7 और इसको A5, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये आपको समीकरण ध्यान रखनी है और इसी से ही अब सातवें पद का मान लिखेंगे A7, मान तो दिया हुआ नहीं है तो इसको A7 को A7 रखेंगे। जैसे यहां तो तीसरे पद का मान दे रखा था 16, यहां पर कोई मान नहीं दिया हुआ तो A7 का A7 रखेंगे और इसका सूत्र क्या हो जाएगा A+6D, और ऐसे पांचवे का क्या हो जाएगा A+4D। अब अपने को क्या करना है, देखो जैसे सातवें में से पांचवा पद घटा रहे तो यहां भी अपन क्या करते हैं सातवें पद में से पांचवा पद घटा देते हैं, यानी समीकरण तीन में से चार घटा देते हैं। तीन में से चार घटाने पर आपको देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने यहां पर A2 लिख दिया या सिर्फ 2 लिख दिया तो ये दोनों ही क्या है गलत है, क्योंकि आपको ये सवाल में कहा है सातवें पद में से पांचवा पद घटाना है, ठीक है। यहां आप ऐसे नहीं है कि A7 में से A5 घटा दिया तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये मान दिया हुआ ये आपको रखना है यहां पे, इसकी जगह क्या रख देंगे 12, ठीक है। चाहे तो आप यहां भी 12 रख सकते हैं, नहीं तो आप समीकरण दो से मान रखने पर ऐसे लिख सकते हैं। फिर इससे क्या हो गया डी का मान आ जाएगा आपके पास, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो आपके पास ए का मान आएगा। अब ए और डी के मान से आपको समीकरण के क्या है सॉरी समांतर श्रेणी के क्या है चार पद निकाल देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। ये था आपका पांचवा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला छठा सवाल। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल में दिया तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी तीन अंकों की कौन कौन सी संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं हैं सिर्फ तीन अंकों की जो क्या है 7 से विभाज्य, मतलब जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। पहले अपने को समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, फिर अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको इसका बेसिक। तीन अंकों की पहले बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तीन अंकों की, तो तीन अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है 100। कौन सी होती है 100। और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999। क्या इससे बड़ी कोई तीन अंकों की बड़ी संख्या हो सकती है 999? नहीं, 1000 आएगा तो 4 अंकों की हो जाएगी। और इससे 100 से कोई छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 100 से छोटा 99 होगा जो 2 अंकों का चला जाएगा। अब आपको यहां से इसमें वो संख्याएं देखनी है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे समांतर श्रेणी के तरीके से, बहुत ही आसान से तरीके से। देखो करना क्या है, अब आपको क्या करना है, देखो 100 में देखो पहले 7 का भाग जाता है क्या, 100 में 7 का भाग देके देखा, यहां पे 100 में 7 का भाग दिया तो 7 बचा 3 0 7 चौके 28 नहीं जा रहा, पूरा पूरा शेषफल कितना आ रहा है 2। तो जिसमें शेषफल नहीं बचे वो संख्या लेनी है। अब 101 में इसी तरह देख के देते हैं, 101 में देंगे तो भी नहीं जाएगा, 102 में देख के देखें तो भी क्या होगा भाग नहीं जाएगा, 103 में 104 में और 105 में भाग देख के देखते हैं। पहले देखो इतनी संख्याओं में आपको एक बार भाग देख के देख लेना है। 105 में तो 7 × 7 कितना बचा 3, अगली संख्या उतारी 5, 7 × 5 = 35, तो ये क्या हुआ अब की बार पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या जिसमें 7 से विभाज्य वो कौन सी होगी, कौन सी होगी तीन अंकों की सर्वप्रथम 7 से विभाज्य संख्या, तो लिखनी है तीन अंकों की प्रथम 7 से विभाज्य संख्या कौन सी है, अभी अभी जो लिखा था आपने 105, यानी पहला पद क्या हो गया, ये जो संख्या है ये पहला पद है। इसी तरह आप देखेंगे अंतिम संख्या 7 से विभाज्य तीन अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य, तो देखो 999। अब 999 से आगे थोड़ी जाएंगे, 999 में एक भी बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, तो इससे घटाते जाना है। 998 में भाग देके देंगे, 997 में, 996 में, 995 में, ठीक है। इस तरह आप भाग देके देखो जिसमें भी भाग जाएगा ना वो संख्या लेनी है। अब 994, अब इसमें अगर अंदर भाग देके देखते हैं तो भाग पूरा पूरा जाता है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी 994, यानी ये अंतिम पद है ये पहला पद है, ठीक है। अब आपको यहां डी बराबर निकालना है, सार्वंतर
तो d बराबर किसका है, सार्वंतर d बराबर, d बराबर यानी सात सात का अंतर, सात का पारा चलेगा तो कितने का अंतर होगा, सात का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो दिया हुआ है उससे अपन निकाल लेंगे सारे मान। ये क्या है, ये a का मान है, ये क्या है ए एन का मान है, और ये तो डी है ही। तो अपन क्या करने हैं, सात से विभाज्य संख्या, तो सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान निकालना है, पद कितने हैं, तो ए एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है 105, एन की जगह एक बार ऐसे कैसे रख दो, डी का मान रख दो 7। अब आपको 105 को पहले इधर लाते हैं, तो 994 माइनस 105 कितना आएगा, बराबर एन माइनस एक इंटू 7। देखो यहां पर क्या करेंगे, 105 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब देखो 994 वैसे 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 889, कितना आ गया 889, बराबर में कितना बचा है n माइनस एक इंटू 7। अब 7 को इधर लाएंगे तो 7 किस में आएगा, इधर देखो 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बराबर क्या बचा n माइनस एक। अब इसमें 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 कितना बचेगा, यहां से भाग दे के देख लेते हैं अपन, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 एक बचा, 7 × 14 = 4 + 7 = 49 कितना आ गया 127, बराबर क्या है n माइनस एक। अब माइनस एक को इधर लाओ तो 127 प्लस एक बराबर n, n एक माइनस का इधर था इधर आएगा तो प्लस का, तो n बराबर टोटल क्या आ जाएगा 128 प्लस। यानी आपसे पूछा था तीन अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो तीन अंकों की जो संख्या है 7 से विभाज्य वो कितनी है 128। ये आपने क्या किया, यहां पर अंतिम पद निकाला है जो है an, और ये आपने पहला पद निकाला है जो क्या है a। यहां a और an का मान इस तरह से निकालना है, फिर इसके बाद आपके पास समांतर श्रेणी बन जाएगी और इसको इस तरह से हल करके n का मान निकाल लेना है। तो ये था आपका अगला छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सातवां सवाल, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल है, बस आपको इसके अंदर एक और ध्यान रखना है सूत्र। देखो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी 10, 7 और 4, ये 62 इसका -62 एक पद दे रखा है का अंतिम से 11वां पद, यानी ये अंतिम पद है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी लगातार चलती जाएगी और -62 तक ही है, ठीक है। इसके बाद में आपको जहां पर खत्म हो रही है उससे उल्टी साइड से क्या करना है, आपको अंतिम से 11वां पद यानी पीछे से 11वां पद आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लो एक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जने मान लो खड़े हैं, ठीक है। आपसे कहे पीछे से तीसरे नंबर पे कौन है, तो पीछे से तीसरे नंबर पर ये है, वो संख्या है 8। तो इसी तरह से आपको इस सवाल में पूछा है पीछे से 11वां पद कौन सा होगा। जैसे यहां तो मैंने 1, 2, 3 लिखा है, वहां से पीछे से आपको गिनते हैं, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, वैसे 11वें पद पर क्या आएगा, कौन सी संख्या है वो आपको बतानी है। तो आपको यहां पर एक सूत्र ध्यान रखना है, अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र है। क्या सूत्र है, देखो यहां पर पहले लिखते थे a, अब की बार a नहीं लिखना है, an, और यहां प्लस लगाते थे, यहां माइनस, बाकी सूत्र वैसा का वैसा n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या ध्यान रखना है, a नहीं लिखना है, अंतिम से nवां पद ज्ञात करने an माइनस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है, और वैसे के वैसे सवाल हो जाएगा। तो देखो इस समांतर श्रेणी को अपने को हल करना है, तो देखो यहां पर क्या है, प्रथम पद a बराबर कितना है 10, d बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, अच्छी तरह ध्यान रखना है, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 3। कोई भी 10 में से 7 नहीं घटाएगा, अगर घटा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। और यहां पर क्या है, अंतिम से nवां पद, मतलब n बराबर कितना है 11, जो पद आपको अंतिम से ज्ञात करना है वही लिखना है। अब आपसे क्या करना है, अंतिम से nवां पद, यानी एक बार सूत्र लिखेंगे, क्या होगा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके अंदर मान रख दो, an की जगह कितना है माइनस का 62, यहां पर लिख लो an बराबर दे रखा है, जो दिया हुआ है वो सारी संख्या लिखनी है, माइनस का 62 माइनस n की जगह कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखना है माइनस का 3 माइनस 62, 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 गुणा माइनस 3 माइनस का 62। अब देखो यहां से गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस की संख्या पहले तो हो जाएगा प्लस,
चिन्ह को हल किया तो माइनस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30। अब देखो 62 प्लस का माइनस का है और 30 प्लस का है। एक संख्या प्लस की और माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 62 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, और वही चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है। बस यही आपको बस ये ध्यान रखना है अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अगर आपने ये याद रख लिया तो फिर आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखो आपको समांतर श्रेणी से आपने ए डी और इनके मान तो निकालने आपने सीख लिए। ए का मान ए एन आपको दिया हुआ है, ए पहला पद होता है, डी का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और एन का मान भी दिया हुआ है, तो आप इसे अंतिम पद इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका आ गया अंतिम से ग्यारहवां पद, जैसे ये अंतिम से निकाला था उसी तरह अंतिम से ग्यारहवां पद आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका बिल्कुल सिंपल सा सातवां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला आठवां सवाल, सेम का सेम सवाल है, उसी तरीके से आपको करना है। देखो सवाल क्या दिया है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 यानी 88 तक है, मैं अंत से 12वां पद यानी अंतिम से 12वां पद, सेम पीछे वाला जो सातवां सवाल किया वैसे के वैसे करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद करके देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो देखो इसमें वापस वही सूत्र लगाना है, ये सूत्र ही वो सेम का सेम सूत्र है, अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी सेम। तो अपन क्या करते हैं, इसके मान निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या है एक, पहला पद दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एन से, जो कितना है 88 तक है, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं डी का मान, दूसरे पद में से पहला पद, चार में से एक घटाएंगे तो कितना जाएगा 3, और आपको एन बराबर कितना दिया हुआ, यहाँ पे 12वां पद अंतिम से ज्ञात करना है तो एन बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। अब आपको सूत्र लगाना है अंत से एनवा पद ज्ञात करने का, तो अंत से एनवा पद क्या होता है, ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी, मान रखना है सीधा, एन का मान कितना है 88, माइनस एन की जगह 12 माइनस एक, एन का मान कितना है 12 और डी का मान कितना है 3, तो 88 माइनस 12 में से एक जाएगा तो 11 इंटू 3 88, 11 तीन कितना हो गया 33, 88 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 55, यानी अंतिम से जो आपका पद निकालना था 12वां, तो अंत से 12वां पद है वो कितना है 55। अब बहुत ही सिंपल से तरीके से देखो ये सूत्र यूज करेंगे और इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। सीधे सीधे पहले देखो इस समांतर श्रेणी से ये चारों मान निकाल लें जो आपको चारों के चारों मान दे रखे हैं। देखो ए का मान पहला पद होता है, एन का मान अंतिम वाला पद दे रखा है, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल लेंगे, और एन का मान ये दे रखा 12वां पद ज्ञात करना है तो ये इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला नौवां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस बार की परीक्षा के लिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस सवाल में पूरा ध्यान देंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपसे कोई गलती हो सकती है। तो देखो इसके अंदर सवाल के अंदर आपको दिया है एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कुल पद कितने हैं 60 पद है, ठीक है। उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है। अंतिम पद यानी कितने नंबर वाला पद, ये रहा 60वां पद, क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी में कहा हुआ है कुल पद कितने हैं 60 है, ठीक है। तो 60वें पद का मान कितना है, ये आपको दे रखा है 125, और पहले पद का मान कितना है 7, ठीक है। आपको इसका 32वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद 32वां। तो देखो आपने जो चीज दी है पहले लिख लेते हैं, कुल पद यानी n बराबर कितना है 60, कुल पद का मतलब क्या हो गया n बराबर, ये पदों की संख्या है ध्यान रखना, कुल पद। आपको प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 7, अंतिम पद कितने नंबर वाला पद है, ये 60वां पद है, तो क्या लिखेंगे a 60 बराबर कितना दे रखा है 125, कितना दे रखा है 125, और आपको ज्ञात कौन सा करना है 32वां पद। तो देखो ध्यान से, अब क्या करो एक बार 60 का अपन 60वें पद का मान निकालते हैं। 60वें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 59d बराबर कितना होगा 125, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं a का मान रख देते हैं, a बराबर 7 रखने पर, क्यों, क्योंकि अपने को a का मान पता है, तो a का मान रखेंगे तो इससे d का मान आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखो आपको दिया हुआ है पदों की संख्या कितनी है 60, पहले पद का मान 7, अंतिम पद यानी 60वां पद कितना है 125, और आपको 32वां पद ज्ञात करना है। तो पहले मैंने a1 यानी पहला पद a बराबर 7 है, 60वें पद का सूत्र लगाया तो कितना हो जाएगा a प्लस 59d, इसके अंदर मैंने a बराबर मान रख दिया तो a की जगह रखा 7 प्लस 59d बराबर 125। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 59d बराबर 125 माइनस 7,
इसमें से घटाएंगे तो कितना देगा 59d बराबर 125 में 7 देगा तो कितना बचेगा 118। अब अपने को क्या करना है, पहले d का मान निकाल लेना है। तो d बराबर देखो कितना आ जाएगा 118/59। देखो 59 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, ये पूरा पूरा कट रहा है एक और ये दो बार, 118 59 से दो बार करता है तो d बराबर कितना आ गया 2। d बराबर आपके पास 2 है, a बराबर 7 आपको दे रखा है। अब आपको 3200 पद ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3200 पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 31d या n माइनस 1d, वो भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सीधा सूत्र लगा देते हैं। a का मान कितना है 2 प्लस यहां लिखा 31 और d का मान कितना है, d का मान जो अभी आपने निकाला था 2, तो ये रख दिया 2, तो ये आ गया 2 प्लस 31 दूनी कितना होता है 62। 62 पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये कितना आ गया आपका 32वें पद का मान। बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन यहां पर देखो आपको कंफ्यूज यहां कर सकता है कि कुल पद आपको 60 दे रखे हैं। अब आपसे कहा पहला और अंतिम पद, तो आपको यहां दिक्कत हो सकती है कि अंतिम पद कौन सा होगा, तो आपको पहले कह रखा है 60वां पद है, यानी आपसे पूछे एक लाइन में 60 जने खड़े हैं तो अंतिम वाला कितने नंबर पे खड़ा है, तो ऑब्वियस है 60वें नंबर पे खड़ा है क्योंकि 60 ही जने हैं। तो ये ही कह रहा है कि प्रथम पद 7 है और अंतिम पद यानी 60वां पद वो कितना है 125। तो पहले पद में ये रख दिया, 60वें पद का मान ये है, तो 60वें पद का सूत्र लगा के उसके अंदर a का मान रख दिया, a का मान आपको दिया था, इससे अपने पास d का मान आ जाएगा और फिर 32वें पद का सूत्र लगा के और इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नवा सवाल। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। देखो अंतिम सवाल है वो थोड़ा सा लेवल हाई है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखो इस बार का पेपर, अगर मान लो पेपर आपका थोड़ा सा हाई लेवल का बनता है तो फिर इस तरह के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको इन सवाल को भी अच्छी तरह से करना है। तो देखो सवाल क्या है पहले समझ लेते हैं। दिया हुआ है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, आपको ये कह रखा है कोई चार संख्याएं हैं जो चारों समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 है, यदि उनको जोड़ दें तो 50 आएगा और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको वो संख्याएं क्या है बतानी है, ठीक है ना, तो आपको संख्या दे रखी है, ठीक है ना, बता रखा है कि इसके अंदर a का मान क्या है, d का मान क्या है, कुछ नहीं बता रखा, तो आपको इस सवाल को करना कैसे है बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना पहली संख्या मैंने क्या मान ली a, दूसरी संख्या आपको चारों संख्या ही माननी है, तो दूसरी संख्या क्या करनी है a प्लस d। अगर अपन संख्या में d अपने को मान लो पता हो तो अगला पद कैसे निकालते हैं, d जोड़कर, ठीक है। तीसरी संख्या यानी एक तरह से कह सकते हैं तीसरा पद कैसे निकालते हैं a प्लस 2d से, ठीक है। और चौथी संख्या क्या हो जाएगी a प्लस 3d। चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते थे a माइनस d a माइनस 2d a माइनस 3d, आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते थे चाहे सीधा भी ले सकते थे, क्योंकि चारों संख्या आपको ये नहीं बताया कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, तो अपन चाहे तो बीच में माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि एक माइनस एक प्लस ले ली तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको अपन क्या है, चारों संख्या अपने को पता चल गई। अब अपने चलेंगे प्रश्नानुसार आपको दो कंडीशन दे रखी है, जिसके अंदर पहली कंडीशन देखो अभी तक तो चार संख्याएं अपने मानी, ठीक है। अब कह रखा है संख्याओं का योग 50 है, क्या कह रखा है संख्याओं का योग 50 है, तो अपन क्या करते हैं सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो पहली संख्या होगी a, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है a प्लस b, तीसरी संख्या क्या है a प्लस 2d और चौथी संख्या क्या है a प्लस 3d, इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 50। देखो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तीसरी संख्या ये रही और चौथी संख्या ये रही, चारों को जोड़ा तो 50 आना चाहिए, ये सवाल में कहा हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, a का मान ये रहा, a के ये रहा, तीसरा a और चौथा a, चार a हो गए, a के मान कितने हो गए 1, 2, 3, 4 तो है, प्लस d कितने हो गए 1d और 2, 3 और 3 6d, सभी d को जोड़ दें, देखो 1d ये रहा, 2 ये रहे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये कितना आ गया 50 के बराबर, इसको कह दिया समीकरण एक। अब अपन दूसरी कंडीशन लेते हैं प्रश्नानुसार,
देखो आपको इसके अंदर दो अलग अलग बातें कही हैं, तो दोनों से दो समीकरण बनेगी। उसके बाद में इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है, तो आप इसमें से बताएंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सीधा सा पता ही चल रहा है अपन क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या मैंने लिखी ए प्लस तीन डी, और ये सबसे छोटी संख्या यानी ए इसकी चार गुनी है। जैसे मान लो एक संख्या है आपको कह रखा है ये इसकी चार गुनी है, तो ये इसके चार गुनी है, ठीक है। तो जिधर जो छोटी संख्या होती है उधर अपन चार की गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपने ये भी यहां किया, देखो छोटी संख्या कौन सी है, ये ए है, इसकी तरफ क्या किया चार की गुणा कर दिया, तो दोनों बराबर। जितने गुणा होती है छोटी की तरफ उधर गुणा कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इससे अपने क्या होगा, ए को इधर ले दो। अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं तीन डी बराबर चार ए माइनस ए, ए का मान इधर देखो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो आपके पास जो मान आ गया वो आ गया तीन डी बराबर तीन ए, तीन डी बराबर क्या आ गया थ्री ए, ठीक है। तो आपको इसे तीन इधर भाग में आएगा तो कट जाएगा, देखो डी बराबर ए, ये तीन से तीन कट गया, तो आपके पास जो बता ना वो ये बता है डी बराबर ए बराबर डी या डी बराबर ए, ठीक है। यानी ए और डी दोनों क्या है, पहला पद उतना ही है जितना डी का मान है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो मान है वो समीकरण एक के अंदर रखेंगे, तो लिखेंगे ए बराबर डी समीकरण एक में रखने पर क्या करना है आपको, ए की जगह भी डी रख देना है, इसमें जहां पर भी ए दिखेगा वहां पर भी डी, चार की जगह चार रखा, यहां पर ए है, ए की जगह क्या कर देना है चेंज कर देना और याद रखना है डी प्लस छ, डी की जगह तो डी ही रहेगा, यहां पर ए चेंज नहीं करेंगे, डी की जगह तो डी रखना है अपने को, तो सिर्फ ए की जगह डी रखना, तो ए की जगह डी रख दिया और बराबर में कितना है 50। अब ये दोनों जोड़ सकते हैं, छह और चार कितने हो गए 10d, 10d बराबर कितना हो गया 50, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 50/10, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहां पर देखो पांच में एक जीरो से एक जीरो कटा, क्या बचा डी बराबर बचा पांच, डी बराबर कितना बचेगा देखो, कह दो 50 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। अब अगर ये 5 है तो ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर भी कितना होगा 5 ही, क्योंकि अपने सवाल में पहले कहा ए और डी क्या है बराबर है, तो ए और डी क्या हो गया बराबर। अब आपको ए और डी का मान नहीं निकालना था, आपको क्या करना था, आपको तो ये चारों संख्याएं बतानी थी, पूछा था वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अब आप वो संख्याएं निकाल देंगे। तो देखो संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे सूत्र में लिखा हुआ था वैसे निकाल देते हैं, प्रथम संख्या या पहली संख्या, पहली संख्या क्या थी ए बराबर, ए का मान कितना है अपने पास 5, ठीक है। अब निकालनी है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या थी ए प्लस डी, ए का मान भी 5 और डी का मान भी 5, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 10। इसी तरह तीसरी संख्या ए प्लस 2d, ए का मान कितना है 5 प्लस 2 गुणा 5, 5 को 2 से गुणा करें 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। और लास्ट में बची चौथी संख्या, चौथी संख्या का क्या सूत्र था ए प्लस 3d, ए का मान 5 प्लस 3 गुणा 5, 5 को 3 से करेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। तो ये अपने पास चारों संख्या आ गई, पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथा 20। अगर इन चारों को जोड़ के देखें तो देखो 50 आ जाएगा वापस, कितना आ जाएगा 50, देखो 20 और 15 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 और 5 कितने होते हैं 50। तो ये था आपका 5.2 का अंतिम सवाल, ठीक है। 5.3 आपके न्यू सिलेबस के अनुसार नहीं है, रिवाइज सिलेबस में 5.3 प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है। तो ये थी आपकी कंप्लीट 5. यानी पांचवी प्रश्नावली, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई इसमें डाउट हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके जो कुछ उदाहरण है वो आप जरूर करके देखिएगा, खासकर जो अंतिम उदाहरण है वो जरूर कीजिएगा, वो लास्ट इसी तरह सवाल की तरह है, ताकि आपके जो पेपर में मैंने आपको बताया कि अगर पेपर हाई लेवल का बनता है तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।